पापा, क्या हुआ? मैंने आपसे कुछ बातें छुपाई है जो आज मुझे बाहर निकालने का बहुत मन कर रहा है। बताओ। जो गाड़ी ठुक गई थी ना, वो किसी बाइक वाले ने नहीं ठोकी थी, वो मैंने ही ठोकी थी पापा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। 2 हफ्ते पहले गोडाउन में आग लग गई थी, वो भी मेरी ही गलती थी। मैं माचिस से मस्ती कर रहा था। कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं, जाओ। आज आपने मुझे जो 10,000 रुपये दिए थे बैंक में डिपॉजिट करने को, वो भी मुझसे गुम हो गए। ठीक है बेटा, गलती इंसान से ही होती है, जानता हूँ तुम इंसान नहीं जानवर हो, बट ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, जाओ, माफ किया। और हाँ पापा, हाँ एक और चीज है, लेकिन ये सबसे कंपेयर करो तो कुछ भी नहीं है। बताओ। मैं बताऊंगा भी तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो रहने दो। नहीं, बताओ बताओ, जो भी ये बातें निकाल दो, आज बाहर निकाल दो। अरे पापा, 2 दिन पहले जब मैं अपने फ्रेंड्स के घर जा रहा था, तब जो ये हॉल की ट्यूबलाइट है ना, इसे मैं बंद करना भूल गया, तो बस सारी रात चालू थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हरामखोर, तेरी माँ का बाप तो इरफान खान था ना, जो मेरे को दहेज में मुफ्त में सिसका एलईडी देके गया लगाने के लिए। मैं भूल गया था पापा, मैं। नहीं, तुम्हारा ध्यान तो स्नैपचैट में होगा ना, लॉन्डियों को चैटने में। तुम्हारा बाप तो मुफ्त में बिजली लाता है इस घर में। हाँ, इन खंभों पे चढ़ चढ़ के तारे तोड़ तोड़ के चोरी करके तो बिजली लाया हूं मैं इधर। नहीं, तुम्हारे बाप के छाती पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, जो बाहर जाता है रोशनी चूसता है, इस घर में बिजली लाता है। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। भाई वाह, इतनी लाइटें जलाई है, बाप को भी जला दे। हाँ, मेरे भी बटन ऑन कर दे। बेटा, न्यूटन ने बोला था बिजली बचाओ। क्या बोला था? बिजली बचाओ। ये कब बोला न्यूटन ने? मैंने तो किधर नहीं पढ़ा है न्यूटन को बोलते हुए ये। अरे जब मैं तुम्हारी उम्र का था। हाँ भाई हाँ, पता है, जब आप मेरी उम्र के थे, न्यूटन और आप केंद्रीय विद्यालय में जाते थे, वर्ल्ड वॉर 2 चालू होएगा तभी, है ना, तभी उसने बताया होगा आपको, एप्पल खाते खाते, बिजली का बिल बचाओ, बिजली का बिल बचाओ। न्यूटन ने मेरे को एक और बात बोली थी बेटा। क्या? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। ये साला फैन को क्या हो गया? ये फैन का कनेक्शन मैंने कट करवा दिया। क्यों पापा? मैं सोच रहा था, जब तू इस फजीती स्पिनर को अपनी उंगली से घुमा सकता है, तो इस फैन में भी हाथ डाल के घुमा ना। इस फैन पे क्यों खर्चा करूं मैं? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। 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 सर, कंपनी ने भेजा सर्विसिंग के लिए। थैंक गॉड आप आ गए। ये एसी खराब हो गया है। क्यों? अरे जब भी मैं ये एसी ऑन करता हूँ, उसमें से आवाज आती है। आवाज? हाँ, अजीब सी आवाज। जब भी एसी ऑन करो, उसमें से आवाज आती है। सुनो, ध्यान से सुनना, अभी मैं इसको ऑन करूंगा। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। सुना सुना सुना? नहीं सुना तो मैं वापस सुनाता हूँ। अभी ऑफ किया, अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूं। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। मैं परेशान हो गया हुई आवाज से। जब से एसी लिया है, मेरे को आवाज ने परेशान करके रखा है। प्लीज इसको रिपेयर करके दो, प्लीज। सर, ये प्रॉब्लम तो ठीक ही नहीं होती। क्या बात कर रहे हो, इसका इलाज ही नहीं है सर। सर, मेरे घर पे भी यही प्रॉब्लम है। क्या बात कर रहे हो? बर्बाद हो गया मैं। सामने वाला हिल जाता था। अंकल वो। अरे अंकल क्यों? हम में तो 1-2 साल का फर्क है बेटा। आई एम वेरी यंग, मुझे अपना फ्रेंड समझो। कुछ लोगी बेटा? कुछ नहीं अंकल, बस गर्मी बहुत हो रही है। गर्मी हो रही है आपको? आशु बेटा, ओ आशु बेटा। जी पापा। सिमरन को गर्मी हो रही है, इसलिए हॉल के दोनों एसी चालू कर दो, सारे पंखे चालू कर दो, और हाँ, रूम के भी सारे एसी और पंखे चालू कर दो, रूम के दरवाजे भी खुले रख दो। क्या है, हॉल ठंडा हो जाएगा। क्या हुआ बेटा, समझ में नहीं आया? चप्पल किसने मारा? तूने मारा चप्पल? मैंने नहीं मारा। जिंदगी के हर नाटक में एक होता है नायक।
और एक होता है खलनायक। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा।